Students, welcome to RT Academy. और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो ट्वेल्थीज हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है अपने चैप्टर को फिनिश करने के बाद कि हम हर एक चैप्टर के सब टॉपिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए जरूरी है। और मेरा वादा है इस चीज का कि अगर आप मेरे इस प्रैक्टिस पेपर में अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके बढ़िया नोट्स बनाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारे अब ये जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं हर एक चैप्टर के 2 या 3 सब डिवाइड करूंगा पार्ट्स को और उन पार्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी अगर एक चैप्टर पे जाएंगे तो हम लगभग 100-150 क्वेश्चन पढ़ डालेंगे। और खुद आप आइडिया लगाइए कि अगर 100-150 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो कहां से क्वेश्चन बोर्ड देगा, बाहर से आ जाएगा। इसलिए इस जो सीरीज है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, इनको मेरे साथ कंटिन्यूअसली देखते रहिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली अभी तक बने चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, वो लाइक और शेयर करते चले, बस इतना ही आपसे कहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनेशन, और चैप्टर हमारा चल रहा था कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ लिया था जहां पर हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने एक फ्लावर से जुड़े कई सारे स्ट्रक्चर को सॉल्व किया था, एंथर, स्टेमन, दुनियादारी चीजें। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन पॉलिनेशन से भी मैच करेगा एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये सारी चीजें करेगा, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। पॉलिनेशन प्रैक्टिस पेपर 2023 करते हैं, चलिए पॉलिनेशन को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस है। थोड़ा सा मैं यहां पर फास्ट रहता हूं कि हमारे पास समय कम होता है क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करना होता है। चलिए जैसा कि पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेपर को 1 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है और इस 1 मार्क के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड हाउ इज इट मीडिएटेड। कह रहा है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। चलो भाई समझते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। तो पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन का मतलब है कि जब हमारा पॉलन ग्रेन पिस्टल पे पहुंचेगा तब क्या घटना घटती है। तो क्वेश्चन का मतलब तो ये निकल गया था, फॉरेन कंट्री का है, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ चेन और ग्रुप ऑफ इवेंट्स that take place from the falling of the pollen over the stigma of the formation of pollen tube into the ovum. It is basically the phenomena of acceptance or rejection pollen in the pistil which is mediated by chemical components of pollen grain interaction with that of pistil. सिर्फ आपको इतना लिखना है कि भाई पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। तो पॉलन ग्रेन का आफ्टर पॉलिनेशन निकलना, स्टिग्मा पर पहुंचना, उसके केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना और ओव्यूल तक पहुंचना, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन था। अब यहां पर पिस्टल, चाहे पिस्टल दैट्स मीन ओवरी कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो कह रहा पिस्टल का केमिकल इंटरेक्शन भी होगा, केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू वो चाहेगी तो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट कर देगा। तो कुछ केमिकल ऐसे बॉन्ड होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये मेडिएट किया जाता है। यानी तरीके से अगर हम बात करें तो हम 10th में चीज पढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, तो एक तरीके का एक ट्रॉपिक मूवमेंट था जहां पर पॉलन ट्यूब केमिकली हमारे ओवरी की तरफ भाग रहा है, जिसे कीमोट्रोपिज्म कहते थे। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द ज़िनोगैमी एंड हेटेरोगैमी। पहले चीज समझ लीजिए, हमने 3 टाइप्स के एक तरीके से पॉलिनेशन को बनाया, ज़िनोगैमी, हेटेरोगैमी एंड ऑटोगैमी। ज़िनोगैमी, हेटेरोगैमी एंड ऑटोगैमी। तो अगर बात करें ज़िनोगैमी क्या होता है, तो ज़िनोगैमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू एंथर अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। जब कभी भी मान लीजिए एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ध्यान से समझिए, अब पॉलिनेशन के थ्रू इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस प्लांट पे पहुंचता है, यानी ए का पॉलन ग्रेन बी पे पहुंचता है, ये हो जाता है ज़िनोगैमी, ये है ज़िनोगैमी। और अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन सिर्फ इसी फ्लावर में पड़ता है तो ये होता है ऑटोगैमी, ये हो गया ऑटोगैमी।
एंड अगर इस फ्लावर का पॉलन गियर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पड़ता है तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं गिटेनोगेमी। तो ये अभी आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं तीनों से, मतलब याद रखिए जीनोगेमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन गियर फ्रॉम वन एंथर टू अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज जीनोगेमी, उसी फ्लावर पे गिरेगा ऑटोगेमी, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरेगा गिटेनोगेमी। क्लियर, वही चीज है यहां पर। हाउ डू द पॉलन गियर ऑफ वैलिस नेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कैसे वैलिस नेरिया जो पॉलन गियर है अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, तो देखिए जरा आंसर आपके सामने है, चलिए देखिए क्या है इसमें। देखिए क्या कह रहे हैं कि इन वैलिस नेरिया द मेल फ्लावर्स आर रिलीज्ड ऑन द वाटर सरफेस, इन वैलिस नेरिया में जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर सरफेस, तैरते रहते हैं। सो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज पॉलन ग्रेन्स, अब उनसे जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए क्या होता है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस चिपचिपा, म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है बायोलॉजी में स्टिकी, स्टिकी सब्सटेंस की कवरिंग होती है जिस कारण हमारे पॉलन ग्रेन बचे रहते हैं। इस तरीके से कह रहा है कुछ व्हाई डू द पॉलन ग्रेन्स वगैरह से के हेल्प म्यूसिलेजिनस, इसलिए म्यूसिलेजिनस है क्योंकि उसको कवरिंग करना होता है कि वो डैमेज ना हो पाए। ट्रू हाइड्रोफिलिक कैन बी सीन इन वैलिस नेरिया। फिफ्थ क्वेश्चन, मात्र मेंशन द पॉलिनेशन एजेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्मॉल डेल कलर्ड फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा, गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस बाय सच फ्लावर। देखिए यहाँ पर इसका जो मतलब निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है कि पॉलिनेशन एजेंट ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्मॉल डल कलर, देखिए स्मॉल और डल कलर आ गया तो सिंपल सी बात आ गई यार, डल कलर में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता नहीं, क्लियर। लेकिन स्टेमन एक्सपोज्ड है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा है, और लार्ज फेदरी स्टिग्मा होने का कारण क्या है, फेदरी मतलब पंख था जिससे पॉलिनेशन आके फंस जाए, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहा है कि एक ये विंड पॉलिनेशन होने वाला है। विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल देने जा रहा है, गिव एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो देखिए यहीं पर आंसर क्या होता है कि लार्ज फेदरी अगर मिल गया आपको, इसका मतलब कि फेदरी है, पंखदार है, तो उसमें पॉलन ग्रेन ट्रैप होंगे और वो सिर्फ विंड पॉलिनेशन में होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉलन ग्रेन लाइट वेट के होते हैं, देखिए वही मिलेगा आपको। द पॉलिनेशन एजेंट चलते जाइए, कलर्ड फ्लावर्स हैविंग वेल एक्सपोज्ड स्टेम एंड लार्ज स्टिग्मा इज विंड, ये हमारा क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट विंड है। The pollens are non-sticky and can be easily dispersed by wind current and so large feathery stigma easily trap the airborne pollen grains. आपको जो बोला वही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, उसका आंसर कैसे देना समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है name the type of flower which favors cross pollination. ऐसे कौन से फ्लावर हैं जो फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का, यानी वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं हम अपना पॉलन ग्रेन नहीं लेंगे, किसी दूसरे प्लांट का या किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फ्लावर्स को टर्म देते हैं कॉस्मोगैमस, कॉस्मोगैमस, और दूसरा एक फ्लावर होता है क्रिस्टोगैमस, क्रिस्टोगैमस, क्रिस्टोगैमस। एक कॉस्मोगैमस फ्लावर होता है, एक हमारा नेक्स्ट होता है क्रिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो कॉस्मोगैमस फ्लावर है ये सबके लिए ओपन होता है, खुला दरबार होता है, किसी का भी पॉलन ग्रेन आ जाए ये आप इंटरेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्रिस्टोगैमस फ्लावर किसी के लिए ओपन नहीं होते हैं, तो वो फेवर जो करता है वो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन का, या हम बात करें तो ऑटोगैमस का। अभी आपको क्रिस्टोगैमस का भी क्वेश्चन मिलेगा, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, The flowering, the flowering statement is first, second, third seen to describe the order pollination of most plants. Which one of these statement is incorrect? तीन statement दिए गए, कह रहा है इनसे कौन सा statement incorrect है? तो the flowers do not produce nectar, जो हमारे aquatic plant होते हैं वो nectar नहीं produce करते, बिल्कुल सही बात कह रहा है। The pollen grains have mucilaginous covering. और जब इंसेक्ट
विंड पॉलिनेशन हो रहा होता है, अभी आप ऊपर देख करके आए हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड जो था ऑप्शन वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? एज अ सबमर्स प्लांट फीमेल फ्लॉश रिमेन सबमर्स, पानी में डूबी रहेगी, व्हाइल पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक टू रीच पैसिवली टू द स्टिग्मा इनसाइड द वाटर सो एज टू अचीव पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स, देखिए कह रहा है कि जेनेटिकली डिफरेंट हो, पॉलिनेशन भी हो रहा, तो जेनेटिकली डिफरेंट कब होगा? जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन गिर जाएगा। अभी ए वाले का पॉलन गेन इसी फ्लावर पे गिर रहा है, दूसरे फ्लावर पे गिर रहा है, उसी प्लांट का तो जेनेटिकली डिफरेंस क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरे प्लांट पे जाएगा तो इन दो का कॉम्बिनेशन तैयार होगा, यानी ये जो ए और बी से मिलकर सी बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ज़ीनोगैमी या एलोगैमी इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? चलिए आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला चल रहा है क्वेश्चन हम 2 मार्क्स की तरफ क्वेश्चन में चल रहे हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तेजी से। पहला क्वेश्चन हमारा आता है इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब कि जहां पर फ्लावरिंग प्लांट पाए तो उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म जायगोट इज डिप्लॉयड, जायगोट डिप्लॉयड होता है। हां भाई, जायगोट डिप्लॉयड होता है हमेशा, क्योंकि जायगोट वन मेल गैमेट प्लस एक्सल से बनता है और दोनों हैप्लॉयड होते हैं। एन एन एन, सिंपल सी बात है, जायगोट क्या बनेगा हमारा? 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, व्हाइल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज ट्रिप्लॉयड। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉयड क्यों होगी भाई? क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म कब बनता है? वन मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियस, हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब n इसमें हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 होते हैं n, तो 3n हो जाएगा, यानी ये होता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन। इसलिए दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए आपका आंसर ये मिलेगा, एंजियोस्पर्म में जायगोट डिप्लॉयड होता है क्योंकि वो एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड होता है। क्यों? एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया, टेक्निक मैंने बता दी आपको। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्रिस्टोगैमी। देखिए क्रिस्टोगैमी वही है, किसी के लिए ओपन नहीं होते हैं, नेवर ओपन फॉर अनदर फ्लावर। ये केवल ऑटोगैमी ही करना जानते हैं, केवल सिर्फ पॉलिनेशन करना जानते हैं। तो कह रहे हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। देखिए एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि गैमेट की प्योरिटी बनी रहती है, जो क्रिस्टोगैमस फ्लावर है उसमें कहीं से भी कोई वेरिएशन नहीं आ पाएगा, तो प्योरिटी बनी रहती है कि अगर एक क्रिस्टोगैमस फ्लावर से दूसरा प्लांट तैयार होगा तो वो सेम ऐसे ही होगा, तो हमारा जो गैमेट है उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है। ये तो एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉसिंग पॉलिनेशन, यहाँ पर कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है, यानी अगर सेल पॉलिनेशन करना है उनका एंथर या स्टेमेन बेकार हो चुका है तो वो फिर पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड बायसेक्सुअल फ्लावर बी इमैस्कुलेटेड बैक एंड आफ्टर प्रियर टू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। मेंडल ने कभी क्रॉस कराया था, हमने मेंडलिज्म में पढ़ा हुआ है, मेंडलिज्म में। तो मेंडलिज्म में एक टर्म होता था इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब था रिमूविंग ऑफ स्टेमेन। यार मेरे को चीज बताइए कि आप एक फ्लावर पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आप एक फ्लावर है जिसमें कि प्लांट टॉल है हमारा और दूसरा हमारा ड्वार्फ है। अब आपको टॉल वाले पे ड्वार्फ का पॉलन ग्रेन डालना था, लेकिन उसका स्टेमन ने उसी में अपने पॉलन ग्रेन गिरा दिए, उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन गिरा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो आपका सिस्टम क्या हो गया? बेकार हो गया। और जब आपका सिस्टम बेकार हो गया तो फिर एक्सपेरिमेंट, पूरी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए हम पहले जिस फ्लावर का हमें एक्सपेरिमेंट करना, जिस फ्लावर पे हमें दूसरे फ्लावर को लाके गिराना है, उसके पॉलन ग्रेन गिराना है, हम उस फ्लावर के स्टेमन को रिमूव कर देंगे और इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन करते हैं, देन उसको हम कवर कर देंगे, तो हो जाता है बैगिंग। क्यों करते हैं? तो प्रोटेक्ट करते हैं कंटामिनेशन से। देखिए साफ-साफ मिलेगा, इमैस्कुलेशन इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद सेल्फ पॉलन ग्रेन बैगिंग रीजन। तो यहां पर आप ध्यान रखना, कंटामिनेशन मतलब दूसरे का पॉलन ग्रेन, अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन मत गिरे। अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन को गिरने से बचाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। एक्सप्लेन एनी 2 डिवाइसेस बाय व्हिच ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड, ऑटोगैमी का मतलब
सेल्फ पॉलिनेशन, कह रहा है कि ऐसी कुछ डिवाइस है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। तो द टू डिवाइसेस प्रिवेंट आर ऑटोगैमी इन फ्लावर प्लांट्स, फर्स्ट एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर कैन नॉट फॉल ऑन द स्टिग्मा। ये ऐसी जगह पे, जिसको हेटरोस्टाइली भी कहते हैं, ऐसी जगह पे स्टिग्मा और एंथर होते हैं कि एक दूसरे के पॉलन के गिर ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉसिंग पॉलिनेशन करना चाहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करते हैं, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना। Self incompatibility is a genetic process that prevents germination of pollen grain from the same flower of the stigma. कुछ ऐसा genetically, जैसे suppose ये stigma है, ये ovary, अब इस पे pollen grain गिरे, तो कुछ ऐसा genetically difference होता है कि ये pollen grain इस पे germinate नहीं कर पाता, नहीं pollen tube को बना नहीं पाता है। तो इसको हम एक term देते हैं scientifically, self incompatibility. सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, याद रखिएगा, बहुत बार इट यूज किया जाएगा चैप्टर में। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब खुद से जेनेटिकली पॉलन को जर्मिनेट करने से रोकना। सिंपल से बात, दो लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन ही कराना पड़ेगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ ब्रिंजल रिफर्ड टू एज, द फ्लावर ऑफ ब्रिंजल रिफर्ड टू एज, पढ़ते चलिए क्वेश्चन आप लोग अपने मन में, कॉस्मोगैमस while that of beans is cystogamous। देखिए इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं, कह रहा है ब्रिंजल कॉस्मोगैमस को, कॉस्मोगैमस इसलिए है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सब कुछ करेगा, दूसरे फ्लावर में पॉलन गेन आ सकता है, आपने पढ़ा है कॉस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरी कैटेगरी थी क्रिस्टोगैमस फ्लावर। तो कॉस्मोगैमस है भाई क्यों, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है, जबकि जो क्रिस्टोगैमस यानी हमारे बीन्स फील्ड होता है सबके लिए ओपन नहीं होता, उसके फ्लावर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसके पॉलन ग्रेन ही वहां जा सकते हैं, वही आंसर आपको मिलेगा। देखिए कॉस्मोगैमस फ्लावर, दीज ओपन एट मैच्योरिटी एंड एक्सपोज देयर स्टिग्मास एंड स्टेमेंस, कॉस्मोगैमस। क्रिस्टोगैमस, दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल इवन इन मैच्योरिटी, ये ओपन ही नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन 14 पे हमें क्वेश्चन मिलता है व्हाट इज गिटनोगैमी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज गिटनोगैमी, गिव वन, गिव इट्स वन सिमिलरिटी टू ऑटोगैमी ज़ीनोगैमी से। देखिए गिटनोगैमी का आप मतलब जानते हैं, जब किसी भी प्लांट के पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो आप इसके लिए टर्म यूज करते हो क्या, गिटनोगैमी। क्लियर, अब कह रहा ऑटोगैमी से क्या सिमिलरिटी है, ऑटोगैमी सिमिलरिटी ये है कि ऑटोगैमी में पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर और सेम प्लांट, एक ही प्लांट है या एक ही फ्लावर, तो उससे तो मैच कर गया, लेकिन सिमिलरिटी जीनोगैमी से, क्योंकि जीनोगैमी तो एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे आता है, तो क्या सिमिलरिटी, पॉलिनेशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। देखिए यहां पे मैच कर रहा है इसलिए कि डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा, भले वो उस प्लांट का ही फ्लावर है लेकिन डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है, और डिफरेंट पे जा रहा है, इतना इससे सिमिलरिटी कर दी जीनोगैमी से। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन पे हम कदम रख चुके हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन पे चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके 3 मार्क का पहला क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और शायद आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिले भी। तो make a list of any 3 outbreeding devices that flowering plants have developed and explain how they help to encourage cross pollination। कहते हैं कि outbreeding, सबसे पहले इस outbreeding डिवाइस को मान लीजिए क्या होता है। देखिए out का मतलब आ रहा बाहर, यानी हमारे फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए, ये कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए ये क्रॉस पॉलिनेशन का फेवर, कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, कुछ जेनेटिकली आपने पढ़ाई पीछे भी, कुछ जेनेटिकली कुछ केमिकली रिएक्शन से खुद के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने का मतलब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यहाँ पे दिया गया उसी को। तो जब कभी भी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आ गई इसका मतलब वो क्रॉस पॉलिनेशन का फेवर कर रहा है। तो चलिए क्या डिवाइसेस देखते हैं हमारे पास, पहले डिवाइस है रिस्पेक्टिवली of stigma and release of pollen grain is not synchronized, यानी जब हमारे pollen grain release होते हैं तब तक stigma mature नहीं हुई है, और जब stigma mature हुई तो pollen grain नहीं release हुए, यानी दोनों की maturity time difference हो गया। जब maturity time difference होगा तो simple सी बात है self pollination तो होना ही नहीं है, ठीक है, इसे dichogamy नाम से भी जानते हैं। Second,
सिर्फ इनकम्पेटेबिलिटी, जैसे अभी पढ़ के आके आप जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट पॉलन्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावरिंग प्लांट पे कुछ जेनेटिकली मैकेनिज्म है जिससे वो पॉलन ट्यूब नहीं बन पाता। दो पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये देखा गया है कि अधिकतर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए मोनोसेक्सुअल फ्लावर यूज करते हैं, यानी या तो फीमेल ही निकलेगा यानी कार्पल, या तो फिर स्टेमन ही होंगे। तो ऐसे फ्लावर जिसमें केवल कार्पल निकलती है और ऐसा फ्लावर जिसमें केवल स्टेमन निकलता है, ये फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे पास मेल ऑर्गन ही नहीं है तो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन पे हमारा बनता है क्या, थर्ड डिवाइस। और तीनों डिवाइस मिलकर के एक फ्लावर को बाहर से यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फेवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर हम बढ़ते हैं तो 16 में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक मेल गैमेट आफ्टर पॉलिनेशन, आप जानते हैं जब पॉलिनेशन होता है तो टू मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब में होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन दिखाया था क्यों जायगोट डिप्लॉयड होता है, क्यों एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। वही दोनों प्रोसेस को कंबाइंड कर दीजिए कि जब जायगोट बन रहा है, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू जायगोट बन रहा है और दूसरे फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। अब जरा इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। नवाशी ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। कह रहे हैं विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर में क्या डिफरेंस है, ये तो बच्चों वाले खेल है। देखिए विंड पॉलिनेशन जो फ्लावर होते हैं वो स्मॉल, जबकि इंसेक्ट में दे आ रहा है। ये तो सिंपल सी बात है यार, विंड वाले में जब एयर का पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फूल बहुत अट्रैक्टिव नहीं होंगे, ब्राइट कलर नहीं होंगे। हाँ, उनकी स्टिग्मा फैदरी होगी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉलिन को ट्रैप कर सके, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे। अब अगर चले जाइए आप इंसेक्ट में तो इंसेक्ट तो अट्रैक्ट होगा, रोज को देखा ये रोज फ्लावर को कितना ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, तो उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इस टाइप के फ्लावर जो होंगे वो ब्राइट कलर के होंगे, उनमें नेक्टर रिलीज हो रहा होगा, उनमें परफ्यूम यानी सेंट भी रिलीज हो रहा होगा, वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ब्राइट कलर के होते हैं, करोला कैलक्स स्ट्रॉन्गली ओडर्ड, ओडर्ड का मतलब होता है स्मेल, बढ़िया महक होती है उसमें। एंड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल रोज, स्नैपड्रैगन, क्रायोट्रोपिस, दीज आर द स्मॉल यूजुअली इनकॉन्सिक्विकस ड्यू टू द डल कलर, दे आर ओडरलेस, जरूरत ही नहीं कोई, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, इनका काम तो हवा से चलना है, हवा तो नेचर का खेल है, किसी को बुलाने नहीं है, तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है कि नेम टू एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए फिर से क्वेश्चन घूम के आ गया, अरे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, जब आपने पहला फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना क्या आपका जायगोट, पहला क्या था जायगोट, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन से क्या बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वही आंसर आपको यहां पर मिलेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे तरफ भागेंगे हम लोग, अब चलते हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन गिटेनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी। अब यार मेरे भाई बताओ, अभी गिटेनोगैमी और ज़ीनोगैमी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बार-बार की, जैसे देखिए पूछा गया है कि क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक बार अगर आपने ऑटोगैमी पढ़ लिया, गिटेनोगैमी पढ़ लिया, ज़ीनोगैमी पढ़ लिया, अब वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, तरीका हो गया। तो भाई मैं वही कहता हूं कि अगर मैं आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं तो बोर्ड में कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। 100% चैलेंज कर रहा हूं कि आप अगर मेरे साथ इस सीरीज पे काम करेंगे, हर एक चैप्टर के सब टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, तो 100% मैं आपको कहता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा जो इससे मिलता ना हो। सेम एज नहीं, लेकिन टॉपिक इसी से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीनोगैमी गिटेनोगैमी बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चलते हैं नीचे अपने डायग्रामेटिक क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ पोस्ट पॉलिनेशन
पोस्ट पॉलिनेटेड पिस्टल सोइंग एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू मैच्योर एम्ब्रियो से लेवल फिलीफॉर्म एपरेटस सेलाजल एंड हीलियम एंडिपोडल लैक्टोपटिवल। तो देखिए यहां पर आपने करना क्या है, यहां पर डायग्राम में आपसे कह रहा है कि एक फ्लावर इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किया गया, लेकिन कब कट किया गया है, आफ्टर पॉलिनेशन। तो आफ्टर पॉलिनेशन कट किया गया, सिंपल से तुम्हें इस डायग्राम में क्या दिखाना पड़ेगा, तुम्हें पॉलिन ट्यूब दिखानी पड़ेगी। एक पॉलिन ट्यूब कुछ तो ऐसे दिखाती है, बाकी पॉलिन ट्यूब को डायरेक्टली एंटर करवाना पड़ेगा आपको ओवरी के साइड एंड द एम्ब्रियो साइड में। सारी चीजें वही है ना, अगर पास देखिए डायग्राम बनाने को जैसे देखा, ये ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे ले जाइए, ये यू एंड नीचे जा करके थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए पार्ट को, ये देखिए आपको तैयार हो गई, यहाँ पर आपका हो गया ओवी ओव्यू, ये ऐसे बना दिया आपने, कुछ पॉलिन ट्यूब गिरा दिए, कुछ पॉलिन ट्यूब को आप क्या करेंगे, पॉलिन ट्यूब ऐसे बना देंगे। तो उस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये कैलस है आफ्टर पॉलिनेटेड स्ट्रक्चर की, तो आसान है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंथर पॉलन एंड स्टिग्मा, तीन चीजों की ये कैरेक्टरिस्टिक मांग रहा है, एंथर कैसा होगा, पॉलन गेन कैसा होगा, स्टिग्मा कैसे होगी ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। देखिए फिर से क्वेश्चन घूम के आ गया, अभी आप पढ़ के आए कि विंड पॉलिनेशन और आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए फिर वही चीज आ गई। अब आपको पता है यार एंथर कैसे होंगे, एंथर आपके इजिली एक्सपोज्ड होंगे कि दिख सके, आराम से निकल सके, पॉलन ग्रेन और फीमेल तक पहुंच सके, तो एक्सपोज्ड एंथर होंगे, पॉलन ग्रेन लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा इज लार्ज एंड फैदरी। अभी पढ़ते हैं देखिए मैच करके क्वेश्चन उससे, एक बार अगर आप रन कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन फिर घूम के आना है, अरे कहां से आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा जो बाहर से होगा। नेक्स्ट, हाउ डू फ्लावर्स रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर, कह रहे जो कि पॉलिनेटर आते हैं जो इंसेक्ट जो गए हैं, चाहे वो फिग फिग में पाई जाने वाली वैप्स हो या फिर हनी भी हो, कह रहा उनके लिए रिवॉर्ड क्या होता है, भाई वो उनके पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, इसके लिए कुछ सम्मान तो बनता है, उनको कुछ इनाम तो बनता है, तो इसके लिए इनाम नेक्टर मिलता है, जिसे हनी भी अपना जो भी हम लोग हनी यूज करते हैं उनका बनाया हुआ है, जिसका तो उनको नेक्टर दिया जाता है इनाम में। Question number 22, mention any four strategies adopted by flower plants to prevent self pollination. देखिए अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन से कौन सी स्ट्रेटजी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाह रहा तो करना क्या चाह रहा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो भी आप पढ़े हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वही चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाई इज हिटेरोगैमी आल्सो रिफर्ड टू एज जेनेटिकली ऑटोगैमी, Heterogamy also referred to as genetically autogamy. Genetically autogamy का मतलब है कि heterogamy का मतलब तो ये होगा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, लेकिन सेम प्लांट पे। अभी जब भाई सेम प्लांट पे है तो genetically differ तो होगा नहीं, है ना, तो वही कह रहा है why is heterogamy also referred to genetically autogamy? Genetically autogamy होगा because the transfer of foreign grain from one flower to another flower but in same plant. और सेम प्लांट आ गया तो जेनेटिकली मैच करेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला है ये देखिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से रिलेटेड है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी वही pollen gain release and stigma respectively are not synchronized either the anther mature first and stigma anther pehle mature ho gaye stigma baad mein ab jab ye pollen gain nikale tab stigma mature hi nahi to girne to pollen gain self pollination ho hi nahi payega ki wahi se match karta anther and stigma are placed different position pe tab bhi nahi ja payega theek hai bhai heterostyly ho gaya genetically mechanism dekhi fir aage na genetically mechanism called self incompatibility सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो ये भी फीचर का आइटम आ गया, तो कुछ नया है ही नहीं है, सारी चीजें पुरानी से मैच कर रही हैं आपकी, क्लियर। अब देखिए इस डायग्राम पे चलते हैं, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फिगर, हालांकि ये इंपॉर्टेंट कम है आपके लिए लेकिन थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। आइडेंटिफाई द फिगर, नेम द इनिशियल सेल फ्रॉम व्हिच दिस स्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड, थर्ड ड्रॉ द नेक्स्ट मैच्योर स्टेज एंड लेबल द पार्ट्स। ओके देखिए ये एक ऐसा दिखाया गया है एक जायगोट टाइप का, और उससे ग्लोबुलर फॉर्म में हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा,
तो इट इज अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। ग्लोबुलर मतलब थोड़ा सा गोल है, समझ जाइए ग्लोबुलर है, तो गोल है तो ग्लोबुलर है डाइकॉट प्लांट का, ये डेवलप कर रहा। सेकंड पॉइंट कहता है नेम द इनिशियल सेल, ये बने किससे, तो आपको अच्छे से पता है यार, कभी भी कोई एम्ब्रियो बनता है तो जायगोट से ही बनता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर हम इंसान हो, वो हमेशा जायगोट से ही बनता है, और अगर ये एम्ब्रियो है तो ये भी जायगोट से बनता है। नेक्स्ट मैच्योर स्टेज आपकी ये जाएगी। देखिए नेक्स्ट मैच्योर क्या करना, आपने हार्ट शेप का कर देना स्ट्रक्चर, जो अभी ग्लोबुलर था अब उसको आपको हार्ट शेप कर देना, बस बन गया आपका क्या, उसकी मैच्योर स्टेज। क्वेश्चन की वैरायटी आपके पास मैं बहुत भयंकर तरीके से रख दूंगा, इतने क्वेश्चन हैं कि आपको किसी भी मॉडल पेपर मार्केट से किसी भी चीज को लेकर के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो पे काम करें सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, फिर से देखिए पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, एंड लिस्ट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो बताने नहीं है तो आपको आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिनेशन इज अ प्री जब एक प्लांट के पॉलन गेन दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाते हैं सेम स्पीसीज के, तो एक नया रिकॉम्बिनेशन बनता है, एक वेरिएशन क्रिएट होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाइब्रिड सीड्स, और ये हाइब्रिड सीड को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। आप मार्केट में देख रहे होंगे पहले के जमाने में गुड़हल हिबिस्कस का जो रेड का फ्लावर मिलता था, अब येलो भी है, व्हाइट भी है, ऑरेंज भी है, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, हाइब्रिड चीजें करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तेजी से। जब हम 5 मार्क क्वेश्चन की तरफ तेजी से बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स मे बी मोनोइसियस, मोनोइसियस मतलब एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, फ्लावर अलग अलग है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन एक ही प्लांट में। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस नेवर ओपन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, नो इट्स फेवर क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये भी आप समझ गए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जेनेटिकली मैकेनिज्म है जिसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर पाता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच one of them and state which one of these flowers promote inbreeding and outbreeding respectively। answer बहुत सारा दिया गया है लेकिन आपको समझ में आना है कि आप कह रहा है मोनोज हो सकता है, क्रिस्टोगैम हो सकता है और सेल्फ इनकैपेबिलिटी शो कर सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच, सबके एक एक कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, तो सबके एक एक कैरेक्टरिस्टिक का करके सबसे पहले मोनोसिस चले जाइए उसका कैरेक्टरिस्टिक दीजिए, फिर क्रिस्टोगैमस का दूसरा एंड सेल्फ इनकैपेबिलिटी भी लिख दीजिए, तीनों फैक्टर जोड़ देंगे आपका एक आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। फिर कहता है विच वन ऑफ दीज फ्लावर्स प्रमोट्स इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग तो खुद में ही हो जाएगा, आउटब्रीडिंग तो क्रिस्टोगैमस आउटब्रीडिंग को न्योता दे रहा है, मोनोइसियस ये सेल्फ यानी इनब्रीडिंग पे करता है क्योंकि सबके लिए खुले हैं, आप आइए जाइए। क्रिस्टोगैमस नेवर ओपन फॉर ऑल, दैट इज आउटब्रीडिंग को इनब्रीडिंग को डिवाइस को शो करता है, और क्रिस्टोगैमस कहता है बाहर से नहीं कुछ करना है आपको, हम आपस में कर लेंगे, और जो हमारे मोनोइसियस है आउटब्रीडिंग डिवाइस शो करते हैं क्योंकि सबके लिए खुला दरबार है, किसी का भी पॉलन गेन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम भेज दे फिर आपके, देखिए क्वेश्चन फिर से वही मैच कर जाएगा पुराना वाले क्वेश्चन से, कह रहा है ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ पिस्टिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यह सारा डायग्राम वही है, पॉलन ट्यूब देख ग्रोथ कर रहा है वही पहला वाला डायग्राम पूरा है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा, उसी से तैयार करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, थ्योरी भी वही है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब डबल फर्टिलाइजेशन, आपसे अगर पूछता सारे इवेंट बताइए डबल फर्टिलाइजेशन के, तो आप सारे इवेंट बता सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, सबसे पहले पॉलन ग्रेन आया तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुआ, देन जर्मिनेट हुआ पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना, देन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगा फिलीफॉर्म एपिडर्मिस से होता हुआ अंदर जाएगा, और डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देन कहता है वाइस फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म रिफर्ड टू एज डबल फर्टिलाइजेशन, अरे भाई दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द सेल, पोलैरिटी का मतलब हर एक सेल में, एक एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल होती थी, याद करिए वो दिन, एक एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल होती थी ऊपर की तरफ,
ये हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक बड़ी एक्सेल, दो छोटी उनकी सहेलियां सिनस ग्रिड सेल। तो पोलाइडी क्या होती है, ये एन होता है, ये एन होता है, ये एन होता है, सारे एन एन होते हैं, सारे हैप्लॉइड होते हैं, बट सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, यही इसकी पोलाइडी। आपसे पोलाइडी पूछ रहा है, पोलाइडी मतलब पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने पे हमारा जो आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बढ़िया है, 31 पे देता हूँ आपको। 31 पे हमारा क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ इसको, थोड़ा टाइम दीजिए। 31 पे क्वेश्चन है, मैच करता हुआ है, लॉन्ग में बहुत ज्यादा वैरायटीज इनके पास बन नहीं पाएंगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन को करके पे लॉन्ग बना रहे। 31 पे आ जाइए, 31 पे क्वेश्चन, बीच में 30 नंबर था वो मिस किया है, 30 इतना पॉलिनेशन था, 31 पे आ जाइए। गिजेनोगैमी इज फंक्शनली इज अक्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर, देखो सेम हो गया। आपसे पूछा गया था कैसे गिजेनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर किससे कर रहा है, जी ऑटोगैमी। तो जेनेटिकली सिमिलर क्यों है, क्योंकि सेम प्लांट पे गिर रहा है, फेवर क्यों कर रहा है, क्यों ये फंक्शनली क्रॉस है, क्योंकि एक फ्लावर से निकल के पॉलन के दूसरे फ्लावर पे गिर रहा है, लेकिन सेम प्लांट पे गिर रहे हैं, इसलिए ये जेनेटिकली सिमिलर है बट क्रॉस पॉलिनेशन का मैकेनिज्म यूज करता है। Why do flowering plant need to develop outbreeding devices? क्यों फ्लावरिंग प्लांट को जरूरत पड़ती है outbreeding device की? क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे, और जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे तो जरूरत पड़ेगी उनको outbreeding devices की। और अभी आपने देखा, explain three such devices developed by flowering plant। अब देखिए, इन्होंने फिर से वही पूछ लिया, वो डिवाइस बताइए। तो डिवाइस फिर से देखिए आपके पास आ गई, पॉलन ग्रेन रिलीज वाला, देखिए आंसर पूरा मैच करेगा। बी एंथ्रेड सिग्मा प्लेस एंड डिफरेंट पोजिशन, एंड सी अ जेनेटिकली मैकेनिज्म कॉल्ड सेल्फ इंटरप्रेटेबिलिटी। सारी चीजें भैया आ गई, देखिए यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन सारे अब आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा हो हाँ सर ये तो सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं दूसरे से काफी। फिर देखिए 32 पे क्वेश्चन एक आ रहा है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन घूम के आ गया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन एक ही बार था, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे एक बार अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ड्रा लेबल डायग्राम एलएस ऑफ फ्लावर शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, अभी हुआ है। पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर डज नॉट एक्सेप्ट पॉलन फ्रॉम एनी प्लांट इट्स ओन काइंड, हाउ डज इट हैपन, एक्सप्लेन। कैसे हुआ, ये था सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी, इस सब का पॉलन एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड, व्हाट इज सिंगैमी, तो चलिए देखते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को, इसको थ्योरेटिकल आपको थोड़ा दिखा दूं यहां पर। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज मेडिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स सेक्रेटेड बाय पॉलन एंड दोज ऑफ पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल से कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं, अगर वो केमिकल मैच कर जाते हैं इसका मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। थर्ड, द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, इसे एक बनता है या जायगोट बनता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपने लेके 1, 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस को देखा। ऐसे ही हम हर एक सब टॉपिक के क्वेश्चन देते जाएंगे। खुद आप देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आप अभी भी कोई सैंपल पेपर किसी भी मार्केट के पब्लिशर को उठा लीजिए और इस टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, आपको लगेगा नहीं तो मेरा पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें पाना है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया से रिक्वेस्ट है, एंड लाइक करिए, शेयर करते रहिए, बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। तो अगला ही ऐसा नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे लाऊंगा, तब जाके कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।